जी, मेरा नाम मोहम्मद आजम है और इस वक्त हम कजाफी स्टेडियम मेन गेट फिरोजपुर रोड पे मौजूद है इस वक्त, और हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह अगर आप मैच के लिए आना चाहते हैं, अगर आप फिरोजपुर रोड यूज करते हैं तो किस तरह आपने एंट्रेंस लेनी है। अगर आप पिछड़ा पुल की तरफ से, जैसे कि फिरोजपुर रोड है, इस तरफ से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे डूंगी ग्राउंड है, वहां पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वहां पे पार्किंग नहीं करते तो फिर आप देन सीधा आएंगे और कजाफी मेन गेट क्रॉस करके आगे हमारा है फीफा गेट, जो कि फुटबॉल स्टेडियम का गेट है। वहां पे आप जो है पैदल एंट्री ले सकते हैं। अगर आप गाड़ी के साथ एंट्री करना चाहते हैं तो देन फिर आप गवर्नमेंट स्कूल जो है वहां से एंट्री लेंगे और उसके बाद आप वहां से गाड़ी और मोटरसाइकिल अंदर ले जा सकते हैं, और वहां पे पार्क करने के बाद फिर आप स्टेडियम के लिए एंट्री लेना चाहते हैं तो फिर आप वहां से एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताता चलें कि जो ट्रैफिक के बारे में, कि जब टीम की मूवमेंट होगी तो उस वक्त हमारी जो ट्रैफिक है वो 20 से 25 मिनट के लिए रोकी जाएगी। जैसा कि इचरा ब्रिज से, जो कि इचरा की तरफ से ट्रैफिक आ रही है, उसको रोका जाएगा थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद जो कलमा से नीचे से ट्रैफिक फिरोजपुर रोड की तरफ जा रही है किनाल की तरफ, उसको आर्जी तौर पे 20 मिनट के लिए रोका जाएगा। जैसा टीम की मूवमेंट कंप्लीट होगी तो साथ ही 10 से 15 मिनट के अंदर फिरोजपुर रोड जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप जब भी चाहें फिरोजपुर रोड के ऊपर आ सकते हैं और ये बिल्कुल ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है।